किसके साथ न्याय किया इन्होंने? ना महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ। नौकरी मांगने जाइए लाठी चलती है, महिलाएं न्याय मांगने जाइए वहाँ लाठी चलती है, किसान न्याय मांगने जाए आतंकवादी हो जाता है, उसके ऊपर गोली चला दिया जाता है, मंत्री का लड़का वो जीप चढ़ा देगा। आज भाजपा उसके लिए सिर्फ ठीक है जिसकी भाजपा से कोई, भाजपा कार्यकर्ताओं से कोई अनबन नहीं है। आप पत्रकार है ना, आप करके देख लीजिए अनबन। कानून राज की ये व्यवस्था है कि लखनऊ से हेलीकॉप्टर ही गायब हो जा रहा है। हाँ, कहाँ अपराधी माफिया भागते हुए नजर आ रहा है बताइए? अपराधी माफिया तो सारे इनकी पार्टी में है, 75% अपराधी आपके भाजपा में है। लक्ष्मीपुर से आप करते हैं, ये मझार पूरा लक्ष्मीपुर से जुड़ा हुआ, पूरा स्टेशन खत्म कर दिया आपने, पूरी मार्केट खत्म कर दी। यहाँ का जो व्यापारी है वो भाग रहा है इधर से पलायन, वो जीविका चलाने के लिए मजबूर, मतलब वो परेशान हो चुका। इन्होंने अभी तक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की, लोगों में हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की, लोगों को लड़ाने की कोशिश की, नफरत की राजनीति करने की कोशिश की। क्या लगता है अगर इस बार मोदी जी की सरकार आ जाती तो क्या होगा? इस बार मोदी जी की सरकार आएगी तो मुझे लगता है कि देश में क्रांति होनी जरूरी है, युवाओं को क्रांति करना जरूरी है। अगर इस तरीके से सरकार बन रही है और इतने ज़्यादा आप कह लीजिए कि अन्याय के बाद किसके साथ न्याय किया इन्होंने? ना महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ। नौकरी मांगने जाइए लाठी चलती है, महिलाएं न्याय मांगने जाइए वहाँ लाठी चलती है, किसान न्याय मांगने जाए आतंकवादी हो जाता है, उसके ऊपर गोली चला दिया जाता है, मंत्री का लड़का वो जीप चढ़ा देगा। आज भाजपा उसके लिए सिर्फ ठीक है जिसकी भाजपा से कोई, भाजपा कार्यकर्ताओं से कोई अनबन नहीं है। आप पत्रकार है ना, आप करके देख लीजिए अनबन। आपकी कहीं सुनवाई हो जाए तो जो कहिए वो मान जाऊंगा। ये है कानून राज, कानून राज की ये व्यवस्था है कि लखनऊ से हेलीकॉप्टर ही गायब हो जा रहा है, हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहा है, आप बताइए। ये तो कानून व्यवस्था है, हमारी बाइक मोटरसाइकिल साइकिल की कौन सुरक्षा करेगा आप बताइए, जब लखनऊ से हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहा है। सर ये तो आपके नॉलेज में होगा ना, ये तो चलिए लखनऊ नगर निगम ने कहा कि हमने जो है उसको दिया था मेंटेनेंस के लिए। अरे अब जब मीडिया वाले आएगा तो लीपा पोती करने के लिए मेंटेनेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो बात की बात हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका अभी पता चला कहाँ पर है, पता चला है कहाँ पर मेंटेनेंस हो रहा है उसका? तो मेंटेनेंस कहा गया है, नहीं पता चला कहाँ दिया। आप गाड़ी देते हैं सर्विस करने के लिए तो किस गैराज में दिया है, कहाँ दिया है, वो तो पता होता है ना। आप मेंटेनेंस दिए तो कहाँ दिया है आपने उसको, कौन से भाई क्या उसमें एचएल में? ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रहेगी बात देश प्रदेश का जो अरे अरे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं महाराज, आप ये बताइए बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर से जो है अपराधी माफिया जो है भागते हुए डरते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस पर क्या कह रहे हैं कि कानून? हाँ, कहाँ अपराधी माफिया भागते हुए नजर आ रहे हैं बताइए? अपराधी माफिया तो सारे इनकी पार्टी में है, अपराधी माफिया सारे तो इनके संरक्षण में है। आप इनके संरक्षण में? आप लिस्ट ले। अच्छा एक बात बताइए, विकास दुबे कौन थे? विकास दुबे कौन थे? और ये राम रहीम बाबा थे, ये कौन थे? और जो है सबसे बड़ी, ऐसे नहीं, ऐसे कहने से अपराधी नहीं। आप लिस्ट ले लीजिए, डेटा पे बात करिए, लिस्ट ले लीजिए, लिस्ट पर आप बात करिए कितने अपराधी यहाँ के हैं जो लिस्टेड हैं, कौन किस पार्टी में है, कौन भग गया है, कौन कहाँ है, किसके घर पे बुलडोजर चला, वो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। 75% अपराधी आपके भाजपा में है। हाँ, सही है। मेरी बात अगर गलत हो जाए तो आप जो कहिए मैं हार जाऊंगा। 75% और उनपे जो है छोटा मोटा अपराध नहीं है, हत्या से लेके बलात्कार से लेके डकैती, मतलब संगीन से संगीन धाराएं उनके ऊपर है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जो जाता है धुल जाता है? हो ही तो रहा है। आज विपक्ष का सारा बेईमान है, विपक्ष का सारा क्रिमिनल है, विपक्ष के सारे लोग जो है चोर हैं, इनके जितने सारे लोग हैं वो सब साह है, ईमानदार है, कोई दिक्कत नहीं। आज जितने लोग हैं भाई ये तो दिख रहा है सामने ना, हम लोग गंवार थोड़ी हैं, बेवकूफ थोड़ी हैं, हम लोग भी अनाज खा रहे हैं, आप भी अनाज खा रहे हैं, जो हवा पानी आप ले रहे हो हम भी, हमारे पास दिमाग, हमको दिख नहीं रहा चीज़ें। और उसके साथ साथ जो अभी जिले की स्थिति है, मतलब हमसे बाद में सिद्धार्थनगर जिला बना है और उसमें यूनिवर्सिटी है सिद्धार्थनगर जिले में कपिल वस्तु, हमारे जिले में आज भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ के युवा आज भी गोरखपुर और जो है सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर ही उनको अलग यूनिवर्सिटी में ही जाना है। क्या ये जिला इतना बदतर है कि आप यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते? यहाँ का दवा कराने के लिए गोरखपुर में आप जाइए, आप कभी कवरेज करके हॉस्पिटल में देखिए, गाय गोरू की तरह ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर, लगे हुए खास, सुबह 10 बजे गए तो रात में 8 बजे नंबर आ रहा है। ये तो हमारे मान लिया जाए कि बद से बदतर स्थिति हो गई है महाराज, बहुत ही एकदम चरमरा गया है। अब इसके बाद यह जान लीजिए कि यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।
जिले की ये हालत है कि लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर देंगे। भाई आपके पास शिक्षा अच्छी है नहीं, आज भी यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, वो माननीय मंत्री जी और विधायक जी का ही बनाया हुआ है, वहीं से बच्चे शिक्षा एजुकेशन ले पा रहे हैं। और कोई आप बता दीजिए हमारे नौतनवा जो है विधानसभा लक्ष्मीपुर ब्लॉक में, आप बता दीजिए। ठीक है, तो बस से बदतर हालत है इस टाइम में। तो अगर ये फिर से हुआ तो लोग, हकीकत ये कि इस जिले से लोग पलायन करना शुरू कर जाएंगे। ना ही आपकी शिक्षा अच्छी है, ना ही आपकी स्वास्थ्य सेवा अच्छा है, ठीक है, ना ही कोई रोजगार का कोई स्रोत यहाँ पर है, ना ही कम्युनिकेशन, ना ट्रांसपोर्टेशन है। लक्ष्मीपुर बाज़ार देख लीजिए, कितनी बड़ी मार्केट हुआ करती थी लक्ष्मीपुर बाज़ार। आज के समय में लक्ष्मीपुर बाज़ार में दो वक्त की रोटी चला पाना व्यापारियों के लिए भारी पड़ रहा है। यानी आपने योजना ही नहीं, आपने पूरी समीक्षा कर रखी है, पूरी समीक्षा, पूरे जिले का एक ब्लॉक उठा के देखिए, एक गाँव उठा के देखिए आप ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं पहले, मेरा नाम असलम खान है। खान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक चीज बता दीजिए कि आखिर महाराजगंज की जनता 6 बार उन्हें क्यों चुनी थी? यही तो दुर्भाग्य इस महाराजगंज जनता की थी भाई। इससे पहले जो आप जो है 4 बार हुए, ये कह के कि ना सेंट्रल में हम है ना स्टेट में हम है, ठीक है, अब की बार जिताई हम सेंट्रल स्टेट में आएंगे, हम काम करेंगे। तो 4 बार तो ऐसे ले लिया इन्होंने। बड़ा ऊपर वाले का करम है कि इनको 10 साल मौका दिया वित्त मंत्री बनाकर भी। अब 10 साल में ये गिना दें 40 साल, तो 4 बार तो 20 साल आपने ऐसे ही खा लिया कि हमारे पास कोई सत्ता सरकार नहीं है। आज तो सत्ता सरकार में है, 10 साल में क्या किया है आपने? रेलवे का प्रस्ताव था, आप फरिंदा से दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे मजार क्षेत्र के लोगों को है। महाराजगंज जाना होता है तो 72 बार सोचता है आदमी, कैसे मैं महाराजगंज जाऊँगा? उसको तारीख देखना है तो तारीख वकील की फ़ीस देने से ज़्यादा वो कन्वेंस का पैसा दे देता है, भाड़ा दे देता है वो बंदा। तो कम से कम आपको ये करना चाहिए था कि आप कम्युनिकेशन अगर बना रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे, तो ऐसे बनाइए कि लक्ष्मीपुर से आप करते, ये मझार पूरा लक्ष्मीपुर से जुड़ा हुआ, पूरा स्टेशन ख़त्म कर दिया आपने, पूरी मार्केट ख़त्म कर दी। यहाँ का जो व्यापारी है वो भाग रहा है इधर से पलायन, वो जीविका चलाने के लिए मजबूर, मतलब वो परेशान हो चुका है। महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, कमाई घटती जा रही है हमारी लक्ष्मीपुर की। लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन से पूरब साइड में जो व्यापारी छोटे छोटे चाय पानी बेचने वाले थे वो उजड़ गए, जाके देख लीजिए। सियार रात में बोलते हैं सुअर घूमती हैं। 100 ऐसे दुकान थे कि 100 लोग ऐसे थे कि वहाँ अपने अपने घर का जीविका चला रहे थे। आज की स्थिति है, एक दुकान आप नहीं पाएंगे। देख लीजिए अभी बगल में है लक्ष्मीपुर। तो स्थिति महाराजगंज की बहुत बदतर है, मतलब उसको आप बयां नहीं कर सकते शब्दों में। ऊपर से चीज़ें आवरण उड़ाई गई है कि अरे भाई 6 बार से सांसद हो रहे, बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें चरमरा चुकी है। युवा परेशान, यानी अब युवा इस बार बदलाव के मूड में बिल्कुल पूरी तरीके से, युवा बुजुर्ग जितना भी इन्होंने अभी तक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की, लोगों में हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की, लोगों को लड़ाने की कोशिश की, नफरत की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इनके सारे मुद्दे फेल हैं। युवा सब जग चुका है, पब्लिक जग चुकी है, सारे लोग इसको, एक एक व्यक्ति इनकी सारी हकीकत जान चुका है। और इस बार वो इस तरीके से जाएंगे, देखिए मैं हालांकि ये कांग्रेस के मंच पे हूँ मैं, या यहाँ पर है, जिस तरीके से इंदिरा गांधी गई थी उस तरीके से इस बार मोदी जी जाएंगे, मतलब वही पतन होगा, वही पतन होगा, ये भी जान लीजिए आप। यानी महाराजगंज की जनता पूरी तरह से इस समय बदलाव के मूड में। अगर बात करें तो जिस हिसाब से असलम भाई ने बताया कि कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री भी हैं, वो भी केंद्र सरकार में, अगर हम बात करें तो 6 बार के यहाँ के सांसद रह चुके। अगर वो जनता को कनेक्टिविटी चाहिए, जनता को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए या शिक्षा चाहिए, यहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्था, जैसा कि असलम भाई ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बार बदलाव की लहर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर पोस्ट के लिए सतीश शुक्ला, महाराजगंज।